हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स और वो है डिस्काउंट एंड कमीशन का फर्स्ट वीडियो। अगर आप देखने जाओ ध्यान से, अगर आप देखो तो डिस्काउंट एंड कमीशन दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और दोनों के अनफॉर्चुनेटली दोनों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्काउंट, इस टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को यह टर्म काफ़ी हद तक पता होगा, डिस्काउंट क्या होता है, मतलब थोड़ा सा किसी हाई अमाउंट पे थोड़ा सा कम पैसे हो के फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में आपको कोई भी चीज़ सामान मिलना, ओके। पर हम इसे ब्रॉडर सेंस में समझने की कोशिश करेंगे कि यार इसमें क्या क्या कंसिस्टेंसी होती है इस टर्म में। और जो कमीशन का टर्म है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसका अगला प्रैक्टिस सेट होगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड है। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेट इसमें इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको डिस्काउंट के रिलेटेड बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एकदम सिंपल वे में आप सभी को समझाऊंगा। जैसे एक प्रोडक्ट होता है, ओके, कोई भी प्रोडक्ट, ओके, इसमें तीन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ किसी चीज़ पे डिस्काउंट का एक पे रहता है परसेंटेज, ऐसा कुछ रहता है कि यार इतना 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और एक 500 का सामान रहेगा तो लाइक यू विल गेट इट फॉर 450 या 400 में मिल सकता है, 450 तक अप्रोक्स तक मिल सकते हैं, ओके। तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम परचेस करते हैं। तो मेन क्या होता है वो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मैं आपको सिंपल तरीके से पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम जो टेक्स्ट बुक वे में है, जो बुक वे में है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्या आता है ओरिजिनल प्राइस, मतलब ये एकदम फिक्स्ड ओरिजिनल प्राइस होता है। इसके बाद आता है डिस्काउंट प्राइस, इसे कहते हैं डिस्काउंट प्राइस, ओके, जो हम ये। और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस, या आप कह सकते हो परचेज प्राइस, ओके। फर्स्ट है ओरिजिनल प्राइस, उसमें से डिस्काउंट प्राइस, मतलब डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा सीरियस होऊंगा, मतलब सीरियस का मतलब मैं जरा सा आपको ब्रॉडर सेंस में टेक्स्ट बुक के रिलेटेड बताऊंगा। ओरिजिनल प्राइस में का मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक के टर्म में देखो, हम ओरिजिनल प्राइस नहीं कहते उसे, मैं आपको सिर्फ सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा था, इसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं हम, MARKED, मार्क्ड प्राइस। अभी इसे आपको ध्यान रखना है, इस टर्म को आपको याद रखना है, मार्क्ड प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस। और इसके बाद क्या है डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट या डिस्काउंट प्राइस भी बोल सकते हो, मार्क्ड अमाउंट, प्राइस और अमाउंट सेम है, ओके, इसका आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट प्राइस। और एक होता है सेलिंग प्राइस या फिर परचेस प्राइस, ये कंपलसरी अब बुक में ये तीनों है, ओके। अभी देखो कुछ सम्स में आपको मिलेगा डिस्काउंट परसेंटेज, क्या मिलेगा डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज से तो आपको पता नहीं चलेगा। एग्जांपल में दू मार्क प्राइस, मतलब किसी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस 500 है, जैसे आपको बताया था शुरुआत में अभी कुछ मिनट पहले, इसमें से डिस्काउंट मिलता है कुछ 15% डिस्काउंट, और फिर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है या परचेज प्राइस, ओके। अभी देखो इसमें कैसा हो रहा है, सिंपल सेंस में अगर आपको मैं समझाऊं, 500 तो आपको पता है अमाउंट है, 15%
डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट कम हो रहा है इसमें से, राइट। दो टाइप है इसमें, डिस्काउंट प्राइस और एक डिस्काउंट परसेंटेज, ओके। और ये जो आपका सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस बोलते हैं, वो होते, ये वो पार्ट होते जो कस्टमर्स, वी कस्टमर्स परचेज इट, हमारे लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाते हैं, मतलब जो बेच रहे उसके लिए सेलिंग प्राइस और हम खरीद रहे हो हमारे लिए परचेज प्राइस होगा, दोनों तरफ से रिलेट हो रहा है ये टर्म, ओके। अभी मैं रब आउट करूंगा, मैं आपको सिंपल वे में आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूलाज भी बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्काउंट में तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मार्क्ड प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस फर्स्ट, सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट या डिस्काउंट प्राइस भी बोल सकते हो, उसके साथ डिस्काउंट परसेंटेज भी एट टाइम्स होते हैं, मैं आपको सम सॉल्व करते हुए बताऊंगा, और थर्ड होता है परचेज प्राइस, और वी कैन इवन कॉल इट एज सेलिंग प्राइस। तीन टर्म्स इन्वॉल्व है इन डिस्काउंट, ओके। तो पहला फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट, या आप लोग डिस्काउंट प्राइस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब हम जो खरीदते हैं, हम जितना पे करते हैं उसका, उसमें क्या हो रहा है मार्क्ड प्राइस, और घट रहा है डिस्काउंट, मतलब जो अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट लोग घटा रहे डिस्काउंट के तौर पे। तो ये है आपका फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ये पहला फॉर्मूला। अगर आपको सम में ऐसा दिया जाएगा सेलिंग प्राइस अमाउंट, मतलब इसमें अगर परसेंटेज नहीं दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन में ना, आपको इसमें से जब आपको किसी ऐसे प्रॉब्लम में क्वेश्चन परसेंटेज नहीं दिया जाता, परसेंटेज अमाउंट, तभी आपको ये इसे अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको कोई परसेंटेज रिलेटेड देते हैं, जैसे कि डिस्काउंट हैज, मतलब इतना 15% डिस्काउंट ऐसा कुछ दिया जाएगा, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू है डिस्काउंट अमाउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, ओके। वो इसीलिए करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको सम सॉल्व करते करते बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि क्या है कि आप, मैं ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहता, ठीक है। ये कब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, जब आपको सम अमाउंट, दो अमाउंट दिया जाएगा, जैसे कि सेलिंग प्राइस का दिया जाएगा अमाउंट रुपीस, और मार्क्ड प्राइस या डिस्काउंट में से कोई एक अमाउंट दिया जाएगा, मतलब परसेंटेज बिल्कुल ही नहीं है उसमें, परसेंटेज रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तभी आपको ये फॉर्मूला लेना है। अगर परसेंटेज दिया जाएगा कि सेलिंग प्राइस दिया है, मान लीजिए मार्क्ड प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन परसेंट डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट अमाउंट नहीं दिया, और डायरेक्ट आपको डिस्काउंट परसेंटेज देते हैं और बोलते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा रहेगा, परसेंटेज साइन, तभी आपको ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज रिलेटेड 10%, 20%, ओके, ठीक है। मैं जरा इधर एक बाउंड्री रख रहा हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ। अभी देखो मैं टेक प्रैक्टिस सेट 9.1, एक और रूल है वो मेरे को समझाना है, मैं आपको एक एक सम के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो वो मैं सम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 9.1 प्रैक्टिस सेट 9.1 ओपन कीजिए, और पेज नंबर 55 प्रैक्टिस सेट 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है इफ द मार्क प्राइस इज 1700, सेलिंग प्राइस इज 1540, फाइंड द डिस्काउंट। मतलब तीनों चीज दिए, मतलब तीनों के रिलेटेड दिए। देखो फर्स्ट में इधर लिख रहा हूँ, 9.1 में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, जगह कम है, तो जस्ट इधर ओके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके ओके ऑलराइट। अभी यहाँ फर्स्ट सेंटेंस वाइज जाओ, लाइन वाइज मार्क प्राइस, मैं एमपी लिख रहा हूँ, मार्क प्राइस आप लोग समझ जाओगे, एसपी एमपी एंड डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अमाउंट डीए भी लिख सकते हो, डीपी भी लिख सकते हो, समझ जाओगे। तो एमपी कितना 1000 रुपीस, अभी यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, क्या आप लोग समझ रहे हो, इसमें अगर आप क्वेश्चन में गौर करो तो परसेंटेज रिलेटेड कुछ नहीं, सिर्फ अमाउंट ही दिया है दोनों तरफ, ओके। तो आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला, ओके, जो परसेंटेज नहीं दिया जाता, परसेंटेज दिया जाता है तो सेकेंड वाला, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। मार्क प्राइस इज 1700, सेलिंग प्राइस रुपीज
कितना है 1540 एंड फाइंड द डिस्काउंट, मतलब यहां पर ऐसे पूछा है कि सिर्फ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट अमाउंट। तो अभी देखो यहां पर दोनों तरफ आपको पूरे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का एक भी नामो निशान नजर आया होगा, तो आपको जस्ट इसे लिखना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 1540, मार्क प्राइस कितना है 1700 और डिस्काउंट तो नहीं दिया, एज इट इज विल कीप इट असाइड। अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी देखो ये दोनों कैलकुलेट तो हो नहीं पाएंगे, इक्वल्स टू के बीच में ये दो नंबर्स है, दोनों का इम्पॉसिबल है सॉल्व होना। तो मैं हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं इक्वेशन के लेसन में, ये जो 1700 प्लस है ना पॉजिटिव इनविजिबल होता है, इस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के तो क्या होगा माइनस 1700 और ये इक्वल्स टू के अंदर माइनस डी एज इट इज रखो, सो ये माइनस करो दोनों को 1700 माइनस 1540 160। लेकिन अभी दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स 1700, जिसके आगे कौन सा साइन है माइनस, दैट मींस क्या होगा माइनस है माइनस प्लस, तो दोनों का साइन हटेगा माइनस दोनों तरफ, तो क्या होगा डिस्काउंट 160 रुपीस। ओके, मैं दोबारा से समझाता हूँ, मार्क प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया और डिस्काउंट मुझे, और ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। लेकिन मुझे पता है बहुत में बहुत स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये कैसे सॉल्व किया, मैं वापस से बताता हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट। ये जब हमने लिखा ये लाइन तक, इसके बाद देखो 1700 माइनस डी जो इम्पॉसिबल है सॉल्व करने के लिए, तो ये दो हो सकते नंबर्स तो हो सकते, लेकिन तकलीफ क्या हो रही है यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू साइन है, तो अब हम क्या करेंगे ये 1540 एज इट इज रखेंगे, और ये जो 1700 है पॉजिटिव में, जब वो इस तरफ जाते हैं इक्वल्स टू के तो क्या होगा माइनस 1700 और इक्वल्स टू, अगर ये इस तरफ गया मतलब ये इस तरफ जा रहा है तो मतलब ये जगह खाली, क्या बच रहा है माइनस डी, तो मैंने नीचे लाया। अभी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो रहा है माइनस डी नीचे आया और ये माइनस करने पर 160 आ रहा है, दोनों में से साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन सा है वो लिखना है, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में 1700, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो मैंने यहाँ पर लिखा। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या होगा माइनस है माइनस प्लस, तो डिस्काउंट कितना है 160 रुपीस। तो इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो मैं जस्ट रब आउट कर रहा हूं इसे। सेकेंड वाला देखते हैं, फर्स्ट सम था बड़ा इजी था और थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए ऐसे सम दिए जाते हैं, लेकिन आगे के ना मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो डेफिनेटली समझ जाओगे, ऐसा नहीं किया सब हार्ड है ऐसा कुछ मत सोचिए। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, उसमें क्या लिखा है मैं रीड आउट करता हूँ। If the mark price is 990 and the percentage of discount is 10, then find the selling price. Okay. First क्या लिखा है इधर, पहली बात क्या लिखा है मार्क प्राइस का अमाउंट दिया गया रुपीज कितना 990 और एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज दिए यहां पर, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10, मतलब 10% समझ लीजिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना। अभी देखो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूँ, मार्क प्राइस दिया है सेलिंग प्राइस दिया है, अगर आप इसके नजर से देखो इसके नजर से मार्क प्राइस दिया गया सेलिंग प्राइस दिया गया लेकिन डिस्काउंट अमाउंट नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तीनों का दिया लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज दिया स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं दिया होता डिस्काउंट ही नहीं दिया होता और बोलते कि फाइंड द डिस्काउंट, मतलब प्रीवियस सम की तरह सिर्फ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है ना परसेंटेज दिया कुछ नहीं, तो आपको ये फाइन देखना होता। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने वही बोला था, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाता है तो क्या होता है टेन ही है ना। ओके, तो आपको क्या करना रहता है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कैसे लिखोगे ये सब लिखना रहता है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 10 / 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट नहीं दिया है, तो हम एज इट इज उसे उधर ही लेफ्ट ओवर रखते हैं और ये मार्क प्राइस 990।
अभी जो स्टूडेंट्स वीक है एवरेज है उनको अभी आगे समझाया था। इक्वल्स टू रहते तो क्या होते, दोनों तरफ अगर ऐसे फ्रैक्शंस रहते, इस बात का ध्यान रखना, मैं हर साइंस स्टैंडर्ड वालों को समझाता हूँ, तो क्या करना रहता है, इक्वल्स टू रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, तो लेट मी कंटिन्यू। अब ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 990 और 10, और ये 100 इधर जाएगा, क्योंकि ये देखो डिस्काउंट के साथ तो यही नहीं होगा, डिस्काउंट अमाउंट लिखो या प्राइस, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है आपको, 99, मतलब डिस्काउंट अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स, 99। ओके, 99 रुपी। तो अभी हमें क्या आंसर मिला, डिस्काउंट अमाउंट 99, मतलब हमें मार्क प्राइस मिला है, डिस्काउंट अमाउंट मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। अभी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो कैसे लिखोगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ओके, वो क्यों, देखो यहाँ पर एसपी का कुछ दिया नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ वापस से, देखिए मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, उल्टा आप लोगों को डिस्काउंट अमाउंट देना चाहिए था, उन लोगों ने परसेंटेज दे के रखा है, और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करना है, हम लोग को इससे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इनटू डिस्काउंट अमाउंट, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिल रहा है डिस्काउंट अमाउंट का क्या, 99। उसके बाद यहाँ पर हमें 99 आंसर मिल रहा है, दैट मीन मार्क प्राइस मिला, डिस्काउंट अमाउंट 99 मिला, अभी एसपी, तो हमें इसे फिर अप्लाई करना है। तो हम जब अप्लाई करेंगे, एसपी तो एज इट इज वही रहेगा, मार्क प्राइस कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 990 माइनस जो आपको ये मिला था 99 का, ये वाला। ओके, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ₹891। तो एसपी का आंसर क्या मिला आपको, ₹891। एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर, इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम आगे का सम क्वेश्चन देखते, रीड आउट करता है इसमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो रूल था, मुझे आगे आगे जैसे जैसे सम्स आएंगे तो आपको बताता रहूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, इसे अप्लाई करना था, सेकंड में क्या था, मार्क प्राइस दिया था, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, दैट मीन डिस्काउंट अमाउंट देते तो आपको आसानी से ये परसेंटेज के थ्रू आप फर्स्ट सम की तरह सॉल्व करते, लेकिन आपको पहले उसमें सेकंड सम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ। डिस्काउंट अमाउंट पहले क्या करना रहता है, डिस्काउंट परसेंटेज को तो आप मॉडिफाई करके डिस्काउंट अमाउंट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना ही होगा, तो आपके पास मार्क प्राइस ऑलरेडी है एंड यू आर ऑल्सो हैविंग डिस्काउंट अमाउंट विच यू आर फाउंडेड आउट 99, आपको 99 रुपीज मिला था, वो माइनस करके फिर आपको सेलिंग प्राइस का ऑटोमेटिकली आंसर मिलता है। लेकिन अभी जो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखने जाएं, वहां पर मार्क प्राइस नहीं दिया है, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस, आपने दोनों सम्स में देखा, दोनों क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो मार्क प्राइस बिल्कुल नहीं दिया है, वो इम्पोर्टेंट है, किसी भी सम में मार्क प्राइस जब नहीं होता, हमेशा याद रखना, अज्यूम करो, अज्यूमिंग में आपको बताता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस, अभी देखो रीड आउट कर रहा हूँ, इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 900, डिस्काउंट इज 20%, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, देन फाइंड द मार्क प्राइस, ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है। जब ये मार्क प्राइस नहीं दिया जाता, ये ध्यान से सुनो, मार्क प्राइस एमपी, मार्क प्राइस नहीं दिया जाता, क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो अमाउंट ही नहीं बोल रहे, फाइंड आउट करो, तो अज्यूमिंग मेथड यूज करो। अज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मार्क प्राइस 100 है, ओके, मार्क प्राइस क्या है 100 रुपीस, उसके बाद आप लोग जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, जो डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया इधर 20, और क्या दिया, और आगे कुछ दिया है, सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस समझ लीजिए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 900 है, ओके,
रुको रुको मैं जरा शफल अप कर रहा हूँ। मैंने मार्क प्राइस को 100 रुपीज कंसिडर किया, उसके बाद मेरा डिस्काउंट परसेंटेज था 20% वो, और सेलिंग प्राइस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 900 जो क्वेश्चन में दिया गया। अभी क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप मैंने क्या बोला, मार्क प्राइस को 100 रुपीज कंसिडर करो जब भी मार्क प्राइस नहीं दिया जाता है। फिर क्या करो, मार्क प्राइस और डिस्काउंट, मतलब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मार्क प्राइस, और ये डिस्काउंट परसेंटेज रहता है इसको माइनस करो, कितना आएगा 80। ये होता है तुम लोगों का अज्यूम सेलिंग प्राइस, अज्यूम सेलिंग प्राइस। रुको मैं वापस से समझ देता, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जब मार्क प्राइस नहीं दिया जाता यू हैव टू कंसीडर एज 100 रुपीज, उस 100 रुपीज को डिस्काउंट परसेंटेज जो नंबर रहता है उसको माइनस करो, दोनों को डिस्काउंट परसेंटेज नंबर जो मिलता है ना 20 उसके साथ माइनस करो स्टूडेंट्स, उसके आपको आंसर मिलते 80। वो 80 आप कंसीडर करो अज्यूम सेलिंग प्राइस, क्या कंसीडर करो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया स्टूडेंट्स। अभी आप लोग मत पूछो कि यार यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस, रुको इसका एक अलग फॉर्मूला है, वो सिर्फ इसके लिए यूज करते जब मार्क प्राइस नहीं दिया जाता आपको फाइंड आउट करना होता तभी। ओके तो सेलिंग प्राइस ये ओरिजिनल है, और ये वाला अज्यूम सेलिंग प्राइस मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, समझ गए। ओके तो अभी देखो वापस से समझाओ स्टूडेंट्स एक और बार, 100 रुपीज कंसीडर करना है, उस 100 रुपीज को माइनस करना है डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, और जो माइनस का आंसर मिलता है वो आप कंसीडर करो अज्यूम, मतलब कंसीडर एक ऐसे अंदाज लगाया मैंने सेलिंग प्राइस। ओके तो अभी देखो मैं अभी एक फॉर्मूला बताता हूँ इसके लिए, वो फॉर्मूला भी नहीं है बहुत ईजी है, जस्ट आपको याद रखना है। आपने क्या देखा इधर अज्यूम सेलिंग प्राइस और एक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, कैसे लिखोगे ये फॉर्मूला है अज्यूम, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में लिखो क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में है नहीं स्टूडेंट्स, तो एक बार आप पेंसिल लीजिए और साइड में जस्ट लिख दीजिए व्हेन मार्क प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा लिखो मार्क प्राइस जब क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अज्यूम एज सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस। ओके अभी आप लोग कहोगे स्टूडेंट मार्क प्राइस, यहाँ पर मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, मार्क प्राइस ओरिजिनली कुछ अमाउंट नहीं है, वो हम जस्ट 100 रुपीज कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो अज्यूम सेलिंग प्राइस मिली। ओके 100 रुपीज कंसिडर करना है, वापस से समझा रहा हूँ, माइनस करना है डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, आंसर मिल रहा होता है अज्यूम सेलिंग प्राइस। अभी देखो इसे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, मार्क प्राइस का अमाउंट 100 रुपीज मत लिखो, क्योंकि आपको ओरिजिनल मार्क प्राइस या अज्यूम मार्क प्राइस है, जैसे यहाँ पर अज्यूम सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर अज्यूम मार्क प्राइस है, अज्यूम मतलब कंसीडर किया है ओरिजिनल नहीं है, ये भी ओरिजिनल नहीं है 80, मैं पहले बोल रहा हूँ अज्यूम मार्क प्राइस कितना है 80 हमने कंसीडर किया था डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 900 और मार्क प्राइस नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, ओरिजिनल मार्क प्राइस जो हम एक्चुअल मार्क प्राइस ये तो बस अज्यूम वाला है, मतलब हमने कंसीडर किया है, ये ना नकली टाइप बोलते ना वैसे बोल मार्क प्राइस कितना है कुछ नहीं दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर मार्क प्राइस बाहर जाएगा ये और ये 900 मल्टीप्लाई बाय 100 900 और 100 एक साथ और 80 नीचे, ये कट करो ये देखो 9008 हम डिवाइड करेंगे कि मैंने एक जीरो कट किया है एक बार कंफर्म कर लो। ओके तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 1125 रुपीज, तो ये है आपका ओरिजिनल मार्क प्राइस। ओके 1125 आंसर है। ओके मैंने इधर से इसके थ्रू डिवाइड करने पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है 1125। ओके मैं जरा इसे रब आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्या है कि यहाँ फॉर्मूला भी है स्टूडेंट 1125। ओके या श्योर, तो क्या हो रहा है ये आपको ओरिजिनल प्राइस, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ ये अज्यूम्ड है, ये ओरिजिनल मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस लिखना है सॉरी, अज्यूम मार्क प्राइस ओरिजिनल मार्क प्राइस अज्यूम सेलिंग प्राइस एंड ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओके तो इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now let's check question number 4, जो I think so बहुत ही easy है students. Question number 2 की तरह है, मतलब एक normal एक different, एक normal एक different ऐसा हो जाता है. Okay, मैं question read out करता हूँ, फिर तुम लोग के ऊपर depend है कैसा है सब. Mark price of a fan is 3000. यहाँ पर mark price दिया गया, no need to panic about. Shopkeeper gave 12% discount on it. Discount percentage दिया गया. Find a discount in the selling price of the fan. पूरा का पूरा सेकेंड सम का कार्बन कॉपी है, ऐसा सच कुछ नहीं. देखो मैं फिर भी करके बताता हूँ, फॉर मी इज नथिंग. मार्क प्राइस क्या दिया है फैन का, 3000. ओके ये हुआ, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया कितना, 12. ये एक हुआ, उसके बाद फाइंड योर डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस. ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ही बोलो, और एक डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट बोलो. वही तो डिस्काउंट अमाउंट तो फाइंड आउट करने रहते हैं, नहीं तो सेलिंग प्राइस कहाँ से मिलेगा, वो तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट अमाउंट है, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है आपको, डिस्काउंट अमाउंट में करना है उसको, सेकेंड सम की तरह ही है. फिर उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सिंपल है. देखो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट परसेंटेज वही फॉर्मूला लिख दो, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. देखो डिस्काउंट परसेंटेज कितना, 12 / 100 which is equals to discount amount, कुछ दिया नहीं गया तो as it is आपको find out ही करना है. फिर mark price कितना है, 3000. alright, cross multiply करो, ये discount amount है, three thousand upon hundred, I think so 360, 12 3 is 36 or 0. ऑलराइट, या श्योर 360 आपको डिस्काउंट मिला, 360 रुपीस. ओके उसके बाद आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो, जस्ट लाइक सेकंड सम, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ये बात याद रखना. एस पी तो दिया नहीं गया स्टूडेंट, लेकिन एम पी का दिया है 3000 माइनस 360. ये कितना है, यहाँ यहाँ 10 2640 है. एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, 0 10 ओके 4 6 7 8 9 या तो आंसर क्या मिल रहा है, 2640. ओके तो ये है आप सभी वाला आंसर, आपको डिस्काउंट मिला 360 रुपीस और सेलिंग प्राइस है 2640. तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ एक बार इसे पॉज करके आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ओके जरा रीड आउट करता हूँ, क्योंकि क्या है कि जो चीज़ है रीड आउट करने से क्लियर होता है. द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300, कस्टमर परचेज इट फॉर, परचेज का मतलब मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस देंगे या परचेज देंगे, फॉर 1955. फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर. वाह व्हाट अ इजी सम, ले लो परसेंटेज फाइंड आउट करने बोल रहे हो. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मार्क प्राइस दिया है, ध्यान से देखो सम, इजी है. 2300 है, am I right? 2300 रुपीस है, कंफर्म. कस्टमर परचेस्ड इट फॉर, परचेस्ड का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस. ओके एक सेलर बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ, जो कस्टमर खरीद रहा है उसी चीज को उसके लिए परचेस प्राइस हुआ, तो मैंने वही आपको शुरुआत में बताया था. 1955 रुपीस. उसके बाद दिया है कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब आपको डिस्काउंट, मतलब तीन चीजें हैं, एक तो आपको डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करना है और डिस्काउंट परसेंटेज. स्टूडेंट्स बहुत इजी है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर परसेंटेज के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब लास्ट में फाइंड आउट करने बोला, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं देखो SP is equals to MP minus discount amount. मैं amount इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए. देखो SP दिया है यहाँ पर 1955, मार्क प्राइस 2300 minus discount amount. ओके अब मैं ये discount amount को as it is साइड में रखूंगा क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करना है.
माइनर डिस्काउंट अमाउंट लिखा हूँ क्योंकि ये पूरा एक साथ होगा, फिर ये जो होगा इसके साथ जाएगा माइनस होकर। आंसर आ रहा है 345 और ये बड़ा नंबर कौन सा है 2300, उसके आगे माइनस का साइन है, अमाउंट माइनस माइनस कट, डिस्काउंट अमाउंट कितना मिला 345। उसके बाद क्या पूछे हैं उन लोगों ने, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट होती है। अभी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूला की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट परसेंटेज था एज इट इज, हम लोग ब्लैंक रखेंगे उधर, हम लोग जस्ट ये फॉर्म ये लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अमाउंट मतलब 345 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस 2300, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट परसेंटेज 345 मल्टीप्लाई बाय 100 दिख रहा है ये दोनों, और 2300 दैट मीन्स ये कट होगा, तो क्या बच रहे 245 × 23 ओके 15 से देखते हैं, या परफेक्ट, तो आंसर आ रहा है 15 परसेंटेज। ओके आंसर क्या है, एक तो डिस्काउंट का क्या है 345 एंड सेकंड क्या है डिस्काउंट परसेंटेज का 15। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। ये 3 का टेबल है, लास्ट में कौन सा नंबर है 23 में 3 है लास्ट में 23 में, मैं बता रहा हूँ 3 × 5 = 15, तो मैंने देखो 15 पहले 5 से मल्टीप्लाई करनी, तो 115 मिला, तो मैंने इसको फिर एक एक्स्ट्रा 1 डाला 15 बना दिया, तो 3 × 1 = 3 देखो प्लस करने 345, तो कॉमन सेंस वाली बात है। ओके तो इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 3 की तरह है, जहां पर अगर आप देखने जाओ तो आपको मार्क प्राइस नहीं दिया गया, शॉकिंग। ठीक है मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं, तो शॉपकीपर गिव 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, 11% डिस्काउंट मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, हेंस द कस्टमर गेट्स इट फॉर 22 फॉर, गेट्स इट फॉर मतलब क्या, कस्टमर को मिल रहा है मतलब क्या, परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस वही आता है, मार्क प्राइस नहीं होता, वो अपना उसको मिल रहा है मतलब डिस्काउंट वगैरह लगा के उसको सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस में चिपका दिया 22,250 व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑब्वियसली है, देखो मैं कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर लिखो 6 मार्क प्राइस कितना है और अज्यूम मार्क प्राइस है, अज्यूम लिखे ASSUME अज्यूम मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीस, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर से लिखता नहीं तो तुम लोग यार समझोगे नहीं, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है लोगों ने दिया क्वेश्चन में 11% और एक सेलिंग प्राइस है जो गेट्स इट फॉर लिखा है 22,250 मतलब 22,250 राइट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया फर्स्ट स्टेप में हम अज्यूम करेंगे कि मार्क प्राइस 100 रुपीज है, उसके बाद हम परसेंटेज डिस्काउंट के साथ माइनस करेंगे, तो 100 में इधर अच्छे से लिखा 100 माइनस 11 कितना है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहता रॉन्ग सम्स के लिए, इसके लिए मैं जस्ट एक बार कर रहा हूँ 89 ना, या तो आंसर है 89 रुपीज मतलब 89 रुपीज भी नहीं 89 कंसिडर करो। ओके ये एक मिला, ये एक आपका अज्यूम सेलिंग प्राइस है, अज्यूम सेलिंग प्राइस इसका बाद इसके बारे में आपको ध्यान रखना, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, ये क्या होगा अज्यूम सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब ये जो आपको क्वेश्चन में दिया
ओरिजिनल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, ओके इतना ही करना है। वो प्रीवियस थर्ड सम की तरह इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी देखो अज्यूम सेलिंग प्राइस कितना था 89 डिवाइडेड बाय 100 और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 22250। मार्क प्राइस कितना है नहीं दिया गया, मतलब ओरिजिनल मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, तो तुम लोग 100 लिख दोगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ 100 नहीं लिखना है। मैं मार्क प्राइस को एज इट इज रख रहा हूँ 22250 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 89 डिनोमिनेटर में। देखो 22250 और दो जीरोस 89, ओ माय गॉड बड़ा नंबर है। ओके तो अभी देखो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके बाद आपको डिवाइड करना है तो आपको मार्क ओरिजिनल मार्क प्राइस का अमाउंट मिलेगा। ओके तो मैं आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे आपको ये कहूंगा कि आप इसे डिवाइड करके ट्राई कीजिए। ओके ट्राई दिस, आपको जरूर आंसर मिलेगा। मैं देखो यहाँ पर तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके तो 8222 ये देखो 22500 डिवाइडेड बाई 89। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बाकी सब सम्स तो सेम है, बस ये नंबर लेंथी है। तो मैं अगर मैं सॉल्व करने भी जाऊँ स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट वीडियो का लेंथ बढ़ेगा और बहुत ही डिफिकल्ट होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो इसे एक बार पॉज करके देख लीजिए जो भी स्टेप है, और जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। सो फिलहाल पॉज करके देख लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है, एकदम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो ये काफी हद तक वही है, मार्क प्राइस नहीं दिया गया है, आपको 100 कंसीडर करना है, फिर उसके बाद आपको परसेंटेज क्या है माइनस करना है, डिस्काउंट वही सेम सम है स्टूडेंट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ईजी है लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में, मतलब कैसे है कि थोड़ा समझना जरूरी है इसमें। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर रॉन्ग सम करते हैं। हम मार्क प्राइस कभी अज्यूम क्यों करते हैं 100, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी परसेंटेज हो 100% होते हैं। परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100%, कोई भी आपको मार्क्स मिले तो क्या होता है 100% के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आपको 50 मिले 60 मिले 70 100% उससे ज़्यादा नहीं होता, 100% फिक्स रहता है। कोई भी काम करो 100% डेडिकेशन, तो ऐसे ही मार्क प्राइस को हम 100 इसीलिए कंसिडर करते हैं। ओके तो अभी देखो क्वेश्चन रीड करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल सर्टेन आइटम्स एट सर्टेन प्राइस, he tags the price on the item by increasing, ये वर्ड याद रखना, increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. How much he pay more or less as per he tags the decided price. अभी यहाँ पर भी आप लोग देखो तो यहाँ पर एक जगह भी देखना जाओ तो यहाँ पर marked price दिया नहीं गया। Okay, just like previous sums, sixth sum और third sum की तरह यहाँ पर भी marked price नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा अलग है। देखो लेट ऐसा लिखना रहता है, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स बी 100 रुपीज, उसके बाद ये 100 में से। अभी देखो एक चीज का सेंटेंस वाइज जाओ, he tags the price on the item by increasing, increasing मतलब increasing by 25%, इसका मतलब ये 100 होगा ना, इसके साथ 25 प्लस करना है तो कितना होगा 125 रुपीज। इसने क्या लिखा है सेकेंड सेंटेंस रीड करो, उसके बेसिस पे he tags the price, अगेन आई एम रीडिंग, he tags the price on the item by increasing, मतलब बढ़ रहा है the deciding price, decided price मतलब जो 100 रुपीस हमने consider किया उसके साथ 25% है, जो 25 हो plus हो जाएगा तो कितना मिला 125। ये एक हुआ students। उसके बाद देखो third sentence, while selling the items he offers 20% discount, 20% discount कैसे लोगे? देखो इसमें simple भी में करना है आपको, देखो ये हो गया और आपको क्या करना है 20% ना, तो परसेंटेज वाइज दो ऐसे। ओके ऐसे 2 1 2 5 2 10 फिर ये डिवाइड करो 125 को, तो ये कितना मिला आपको 25। ओके जब आप 20% डिस्काउंट निकालते हो ना स्टूडेंट्स तो आपको कितना मिल रहा है 25%। अभी आप समझे, एक तो आपने मार्क प्राइस को 100 कंसीडर किया, उसमें इंक्रीजिंग लिखा था 25, तो 125
उसी 125 को ऊपर आपने 20% डिस्काउंट निकाला, तो आपका आंसर क्या मिला 25। अभी ये दोनों को आप माइनस करने की कोशिश करो, 125 माइनस 25 कितना आ रहा है 100। मतलब घूम फिर के क्या हो रहा है, जो हमने 100 रुपीज कंसिडर किया था वही हमें मिल रहा है, मतलब इसमें 0% प्रॉफिट है, ना प्रॉफिट हुआ इसमें ना लॉस। लास्ट सेंटेंस देखो, हाउ मच मोर ही और लेस परसेंट डिड ही गेट फॉर द डिसाइड, उसको कुछ नहीं मिला, उसको कितना परसेंटेज मिला, 0% डिस्काउंट मिला। ओके, इसमें क्या, इसको 0%, इसको कुछ फायदा नहीं हुआ इसमें। मैं वापस से समझो, 100 अभी देखो हर समय आप देखते थे 100 रुपीज के हिसाब से, अगर आपको आप लोग 100 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस में, तो आइदर आपको 80 मिलेगा लॉस के तौर पे, या 110 भी मिल सकता है प्रॉफिट के तौर पे। लेकिन यहाँ पर 100 ही घूम फिर के आ रहा है, मतलब वही स्टेबल प्राइस, ना ही प्रॉफिट के तौर तरफ जा रहे, ना ही लॉस की तरफ। ओके, अगर आप लोग एक टाइम में नहीं समझो ये क्वेश्चन, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने के लिए, तो इसे एक बार पॉज करके देख लीजिए जो समझ गए हो, फिर मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट 9.1 कवर अप करने की कोशिश की इस वीडियो में, एंड आई होप आप लोग ये वीडियो समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो एक बार में, तो वीडियो के नीचे एक डाउनलोड बटन है, उस पर क्लिक करो और ये वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकोगे, तो आपको बेटर होगा, आप लोग ऑफलाइन देखो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, थम्स अप बटन है, दोस्तों को शेयर कीजिए जितना हो सके, इस लिंक मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ जाओ यार, वीडियो के ठीक नीचे एक रेड बटन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कीजिए, और इस तरह से मुझे भी लगेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।